राम राम भाई सभी साथियों को। आज आपको एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ सुनाऊंगा भाई। एक रिजल्ट आया है, एक गवर्नमेंट है अपने इंडिया में ही, एक स्टेट है जिसने जो है वो टीचर का रिजल्ट जारी किया है। तो इसकी कट ऑफ अगर आप देखोगे ना तो आपको भी हंसी आएगी, यार ये क्या टीचर बनेंगे। अगर हम कट ऑफ की अगर बात करें ना भाई, तो देखो यहाँ पर 100 नंबर हैं टोटल मार्क्स जो हैं, 100 नंबर का पेपर हुआ था। और यहाँ पर ST की जो कट ऑफ गई है वो 0.4091, मतलब की बात समझ रहे हो, एक नंबर भी इसके पूरा नहीं आया। और ये जो है ये कहीं ना कहीं टीचर बनने की रेस में है जो भी कैंडिडेट होगा। यही बात करें अगर वुमेन की तो ये ST कैटेगरी में है। यहाँ पर देखो भाई 0.052। यहाँ पर SC की बात करें तो 27 नंबर। चलो ये तो चलो थोड़ा बहुत समझ में आता भी है, लेकिन ये क्या है भाई, ये क्या मजाक चला हुआ है। अगर ये बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो कैसे टीचर होंगे, खुद सोच सकते हो आप। अगर और देखो भाई, ये देखो TGT साइंस वाले सेम चीज़ें हैं, यहाँ पर भी ये चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर देखोगे ना आप तो ये नंबर देखियो 0.57। तो यार क्या नंबर है ये। अगर बात करें किस स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखो भाई अगर हम बात करें ये किस स्टेट की बात है, तो मैं ऊपर आ जाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि किस स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये है उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये रिजल्ट जो है वो जारी किया है। और ये उड़ीसा का भाई साफ साफ मेंशन है कि जो ये रिजल्ट जो आया है वो आप जो भी कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, तो यहाँ पर जो है 6405 कैंडिडेट हैं वो पास हुए हैं जो कि मेंस का एग्जाम देंगे, मतलब टीचर का जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें ये बैठेंगे। तो यार एक समझो, जो एक नंबर 100 में से एक नंबर लाकर जो बच्चा एग्जाम देगा, ठीक है, तो भाई वो अगर लग गया तो क्या बच्चों को पढ़ाएगा, ये समझ सकते हो आप। मतलब उड़ीसा जो स्टेट है उसमें टीचिंग का लेवल कैसा होगा ये आप खुद समझ सकते हो। तो कहीं ना कहीं यार एक मिनिमम कट ऑफ तो होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं तो 35% या 30% कम से कम होना चाहिए भाई। इससे ऊपर के ही बच्चे हम लेंगे, इससे कम तो लेंगे नहीं। तो ये बहुत ही एक मैंने देखा भाई, मेरी आंखें खुल गई। मैं यार ऐसा भी होता है, मतलब इतनी कम कट ऑफ, ये कौन सा मतलब स्टेट है जो अपने इंडिया में एग्जिस्ट करता है। तो भाई अच्छे से मैंने इसकी रिसर्च की, फिर मैंने ये रिजल्ट जो है वो डाउनलोड किया। उसके बाद में मैंने सोचा यार इसके बारे में तो जो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं या फिर मेरे भाई बहन हैं उनको भी बताऊं कि भाई इतना ज़्यादा गिरा हुआ लेवल है स्टडी का उड़ीसा स्टेट के अंदर। तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही श्रम की बात है भाई, ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। बाकी यही आज की वीडियो में मुझे बताना था आपको। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।